नरेंद्र शर्मा पुराना ज्ञान विजय दर्पण का आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम कर रहे हैं एक कैंडिडेट एक दिन, उसके लिए जो है ना भारतीय जनता पार्टी के मोहनलाल बड़ोदी जी, जो यहां के बहुत ही सक्रिय और बहुत ही समर्पित एक व्यक्तित्व के रूप में अपनी पहचान रखते हैं। हम यहाँ पर सुबह सुबह पहुँच गए इनके खाने के टाइम पर। अब खाना बड़ा ही सिंपल और ये देखो शीत भी रहा है, मतलब देशा मदेश हरियाणा की दूध का खाना। तो ये है इनकी जो है खुशी का राज और ये इनके स्वस्थ रहने का अंदाज। तो अच्छा वैसे खाने में क्या पसंद क्या करते हैं? ये राबड़ी है, ये नहीं है। अच्छा राबड़ी है, ये ठीक है। और ये अपना दाल है, ये रोटी है, ये अचार है, शुगर है मेरे। अच्छा शुगर के फिर? तो शुगर का ये अलग से एक अचार ले आके। अच्छा तो आज की तैयारी कहाँ की कर रहे हो? जाने का प्रोग्राम आज आपके क्षेत्र के अंदर यहाँ राहुल गांधी जी पहुंच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं उसके लिए? कुछ हलचल है दिमाग में? वो आएंगे हमारी वोट पर आगे जाएंगे, हमारी वोट मांग के जाएंगे। वो कांग्रेस की वोट नहीं मांगते। अच्छा अच्छा बीजेपी की वोट मांगते। अच्छा बीजेपी का सवाल ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मतलब आप मेहमान नवाजी के लिए भी जो भी आए उसका मान सम्मान करते हैं, उसका भी मान। जो जो काम महात्मा गांधी के कहने से कांग्रेस ने नहीं किया, हाँ, वो राहुल गांधी के कहने से जनता उसका कर देगी। कांग्रेस को खत्म, वो कौन सा काम है? महात्मा गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए। अच्छा लेकिन कांग्रेस वालों ने कांग्रेस को खत्म नहीं किया, हाँ। राहुल गांधी ने उस काम को पूरा किया और जनता ने आशीर्वाद दिया और राहुल गांधी के कहने से जनता जो है कांग्रेस को खत्म कर दी। ये बहुत अच्छा। अच्छा कितनी देर में यहाँ पर से निकलेंगे? हम भी एक प्रोग्राम आपका आगे भी कवर कर लें। खाना हो गया, निकलते हैं। चलिए सोना है, सो गए दोस्तों, आप बने रहिएगा हमारे साथ में। ये यहाँ पर जो कोई कहानी खत्म नहीं होती, अभी ये शुरुआत हुई है। अब हम इनके घर पर यहाँ पर हैं, सोनीपत के अंदर ये, और उसके बाद ये जीन जुलाना विधानसभा क्षेत्र है जो जुलाना का, उसके अंदर जाएंगे। अब हम आपको वहाँ की पल पल की इन्फॉर्मेशन और जानकारियाँ देंगे। शुक्रिया।